छतरपुर जिले के गढ़ी मलेरा में ओबीसी महासभा की विधानसभा स्तरीय बैठक संपन्न हुई। रविवार को हुई इस बैठक में सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मंच का संचालन जिला उपाध्यक्ष ओबीसी सलमान ने किया। प्रदेश कार्यवाहक प्रदीप चौरसिया लक्ष्य ने बताया कि इस कार्यक्रम में 200 से भी ज्यादा लोगों ने ओबीसी महासभा की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि 2021 में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने और जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण दिलाने सहित ओबीसी समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओबीसी महासभा चूंकि जो जनजागृति चल रही है और ग्राम ग्राम से लेकर नगर नगर से लेकर शहर तक, तो ये हमारे जो संविधान का हनन हो रहा है, हमारे संविधान के माध्यम से जो हमारी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फोकस तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर है। शिक्षा के साथ साथ हमारे जो राइट्स हैं उन पर है। जैसे कि मान के चलिए आप, हमारे हर बार जो ज्ञापन प्रदर्शन होते हैं उनमें एक ही मुद्दा रहता है, 27% आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। दूसरा, विधानसभाओं में न्यायपालिकाओं में हर जगह हमारा 27% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, जिस तरीके से SC का है, SC की तर्ज पर विधानसभाओं में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। यह हमारी प्रमुख मांग है। हाँ, ये गांव में और हमारा ये दीपक, हमारा ओबीसी दीपक है और ये गांव में ये मान के चलिए कि आज कम से कम नहीं है तो 200 से 300 लोगों की सदस्यता जारी हो चुकी है और लगातार अभी वहाँ पर फार्म भी भरे जा रहे हैं। हमारा ग्राम पंचायत से लेकर आप देखिए कि हमें ऊपर संसद भवन तक ये आवाज़ पहुँचानी है कि ओबीसी के हक अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए जैसे वर्तमान में अभी NRC और CA आया हुआ है तो उसमें ओबीसी का कॉलम ही उड़ा दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग बाहर ही कर दिया गया है। 1931 से आज तक हमारी जनगणना नहीं हुई है। मुख्य हमारी मांग जनगणना को लेकर भी है।